स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में होने के चलते ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि समस्या पर केजरीवाल का कहना है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में उनकी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएगी, जिसके लिए उन्होंने जेल से दिल्ली के LGV के सक्सेना को एक पत्र लिखकर भिजवाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते वे तिहाड़ में बंद है। इसलिए उन्होंने तिहाड़ से ही पत्र लिखकर दिल्ली के LGV के सक्सेना को कहा, इस बार 15 अगस्त को मेरी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडा फहराएगी। वहीं आपको ये भी बता दे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरंगा फहराते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना है। वहीं ध्यान देने वाली बात है, दिल्ली के CM केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को शराब घोटाला मामले में CBI की ओर से CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन CBI मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वो जेल में बंद है। इस खबर पर बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।